नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। उम्मीद करती हूं कि ये हफ्ता आपका बहुत खुशगवार गुजरा होगा। कोरोना से इस समय काफ़ी राहत है और मौसम भी धीरे धीरे बरसात की वजह से खुशगवार हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं सैटरडे को यानी कि शनिवार को यानी कि आज आपको कुछ खास बताने वाली हूँ। तो वो जो खास मैं बताने वाली हूँ वो आपको ये पूरी वीडियो देख के ही पता चलेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों, आपकी जो राय होती है मेरे लिए बेहद कीमती होती है। मैंने आगे भी आपको आपसे जिक्र किया है कि आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो मेरी वीडियो के बारे में बात करते कमेंट होते हैं, मेरे लिए बहुत खास होते हैं। तो चलिए बात करते हैं शबनम की। शबनम को बचाने की क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से शबनम को बचाया जा सकता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो लोग जो उसको बचाने के लिए जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट एपी सिंह ने शबनम और सलीम के केस में एक बहुत बड़ा बयान दिया, एक बहुत अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक सवाल है सलीम और शबनम के ट्रायल को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि कई बार ट्रायल में खामियां रह जाती हैं जिसका परिणाम आरोपित को भुगतना पड़ता है। शबनम और सलीम का केस भी इस खामी का शिकार रहा और हमारी जांच चार्जशीट में खामियां हो सकती हैं। सरकारें इसे दुरुस्त करने का काम कर रही हैं, ये उन्होंने इसमें एड ऑन किया है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि कभी कभी पुलिस से भी चूक हो जाती है। पुलिस भी इंसान है और पुलिस केवल एक इंसान नहीं है, पुलिस एक पूरी टीम होती है और सभी लोग बुरे नहीं होते हैं और सभी लोग अच्छे भी नहीं होते हैं। तो ये एक टीम होती है, उससे भी चूक हो सकती है और इन जो चूक होती हैं इनका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है बेगुनाहों को। सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों ने 13 से 14 साल की सज़ा भी भुगती लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट को यानी कि सर्वोच्च अदालत जो है उसको अपने निर्णय को बदलना पड़ा। तो वो ये बताता है कि चूक हो जाती है, बहुत बार ऐसा हो जाता है, लेकिन उसका क्या जिसने अपने जीवन के कई साल कालकोठरी में गुजार दिए हैं। ऐसे एक नहीं, कई सारे ऐसे केसेस हैं और इससे ये बात भी पुख्ता होती है कि इन्वेस्टिगेशन में यह कहिए कि जो जांच हो रही होती है उसे सही तरीके से उसमें साक्ष्य नहीं रखे जाते हैं और कई बार बहुत बार साक्ष्यों को छिपा लिया जाता है। अब ये राय भी बन रही है कि कहीं शबनम के मामले में भी ऐसा ही तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें मैं पर्सनली मैंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मैंने उनसे बात की तो जो मैंने महसूस किया जिन बातों को आधार बनाया गया, मसलन फ़ोन कॉल्स को लीजिए तो प्रेमी अक्सर दिन में 100 बार कॉल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा बार भी कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, घर से नशीले पदार्थ के रैपर्स मिले तो नशीले पदार्थ के रैपर्स की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस समय ये घटना होती है उस समय पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव होता है कि पुलिस को कुछ नहीं सूझता और जब पुलिस पे बहुत सारा प्रेशर होता है तो किसी एक को बलि का बकरा बना दिया जाता है और शायद से ये जो बलि के बकरे ही हैं। और सबसे बड़ी वजह मास्टर शौकत अली की करोड़ों की प्रॉपर्टी जिसकी उस पर नज़र होगी, उसने सारा प्लान बना लिया होगा। शबनम ने ये बात पुलिस को बताई भी थी और शबनम के कहने के ऊपर कुछ लोगों को उठाया भी गया था जो सलीम के रिश्तेदारी के लोग थे,
लेकिन बाद में न जाने क्यों उन लोगों को छोड़ दिया गया, और जिसने ये प्लान बनाया था उनको ये अच्छे से पता होगा कि प्रेमी जो है छिप छिप के मिलते हैं। बहुत सारी बातें उनको पता होंगी शबनम और सलीम के बारे में, क्योंकि जो लोग उठाए गए थे वो सलीम के ही जानने वाले लोग थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह ने भी कही कि चूक हो जाती है और पुलिस भी इंसान होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सभी पहलुओं पर शबनम की वकील श्रेया रस्तोगी इस पे काम कर रही है और बहुत बारीकी से इस पे काम कर रही हैं, और अगर वो इसी तरीके से ऐसे ही पहलुओं पर कुछ चीज़ें इकट्ठा कर पाती हैं तो यकीनन वो शबनम को कुछ राहत ज़रूर दिलवा पाएंगी। राहत दिलवाने की कुछ और भी चीज़ें हैं जो श्रेया रस्तोगी की फाइल में हैं। ऐसी और भी कई बातें हैं, वो कागजात हैं जो शबनम को राहत दिला सकते हैं, जो श्रेया रस्तोगी के फाइलों में हैं, जिनको वो ये माहौल ठीक होने के बाद आगे बढ़ा सकती हैं और उनसे शबनम को राहत मिल सकती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।